Good morning, students. I am a computer teacher of Kirwa Public School. I hope you all are well and ready for online teaching at your home. Today, I would like to discuss about computer. That means, what is computer? What's the definition of computer? Students, computer kya hai? Computer ka definition kya hona chahiye? Isse pehle, main kuch aur basic cheez describe karna chahta hoon. Like what is natural things, what is man-made things, what is a machine, types of machine work on, etc. Student, as we all know that our world is made up of wonderful things. Some things are natural and some are man-made. Students, देखो दुनिया की सारी चीजों को अगर हम divide करना चाहेंगे तो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. पहला चीज नेचुरल और दूसरा चीज मैनमेड. हम दुनिया की कोई भी चीज का एग्जांपल ले लें, दुनिया के किसी भी चीज को देखें, या तो वो नेचुरल थिंग्स होगा या तो फिर वो मैनमेड थिंग्स होगा. इसके अलावा तीसरा कोई भी चीज नहीं हो सकता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेचुरल थिंग्स. स्टूडेंट, व्हाट इज नेचुरल थिंग्स? द थिंग्स which are made by nature is called natural things. Students, जो भी चीज nature के द्वारा बनाया गया है, God के द्वारा, भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा बनाया गया, वो सारी चीज natural things कहलाती है. For example, moon, birds, tree, apple, butterfly, human, these all are the example of natural things. Now we will discuss about man-made things. Student, the things which are made by human are called man-made things. वो सारी चीज जो human के द्वारा बनाया गया, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, किसी भी people के द्वारा बनाया गया, वो सारी चीज man-made things कहलाती है. For example, ship, swing, chairs, cycle, mobile, etc. These all are the example of man-made things. देखो स्टूडेंट, मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स में मेनली ये डिफरेंट है कि मैन मेड थिंग्स हमारे कंट्रोल में होता है. हम चाहें तो उसे कुछ भी शेप दे सकते हैं, कुछ भी कलर दे सकते हैं, लेकिन नेचुरल थिंग्स में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं मैन मेड थिंग्स का, लाइक साइकिल. साइकिल को हम चाहें तो स्मॉल साइज का बना सकते हैं, मीडियम साइज का बना सकते हैं, लार्ज साइज का बना सकते हैं. साइकिल को हम चाहें तो रेड कलर का बना सकते हैं, ग्रीन कलर का बना सकते हैं, व्हाइट कलर का बना सकते हैं. लेकिन हम दूसरी तरफ एक एग्जांपल लेते हैं नेचुरल थिंग्स का, लाइक सन, सूरज. क्या हम सूरज को स्मॉल कर सकते हैं? क्या सूरज को हम मीडियम कर सकते हैं? क्या सन को हम लार्ज कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इसी तरह क्या सन को हम ग्रीन कर सकते हैं? क्या सन को हम ब्लैक कर सकते हैं? क्या सन को हम व्हाइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल थिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जबकि मैन मेड थिंग्स हमारे कंट्रोल में होता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन है ये स्टूडेंट कि व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज आइदर मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स. ऑफ कोर्स आप सबका जवाब ये होगा कि कंप्यूटर इज अ मैन मेड थिंग्स. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को भी किसी इंसान ने बनाया. हम लोग जानते हैं कि चार्ल्स बैबेज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया है. तो यहाँ से हम एक कंप्यूटर का छोटा सा डेफिनेशन ये दे सकते हैं, कंप्यूटर इज अ मैन मेड थिंग. नाउ लेट्स गो अहेड. व्हाट आर मशीन्स? मशीन्स क्या होता है? मशीन्स आर आल्सो मैन मेड थिंग्स. मशीन्स को हम मेनली दो पर्पस के लिए बनाते हैं स्टूडेंट. सबसे पहला मेरा मकसद जो ये होता है वो ये होता है कि कोई भी काम को कितना आसानी से कर सके, और दूसरा मकसद ये होता है कि कोई भी काम को कितना फास्ट, कितना जल्दी कर सके. यही दो मकसद के चलते हमने सारा मशीन बनाया. आप कोई भी मशीन का एग्जांपल ले लें, सबका मकसद यही होगा. सम एग्जांपल्स ऑफ मशीन लाइक व्हील. व्हील इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट ह्यूमन मशीन. इसी तरह नाइफ, स्टेपलर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मशीन्स. ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह कंप्यूटर भी एक मशीन है. कंप्यूटर भी इसीलिए बनाया गया क्योंकि कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स काम को बहुत आसानी से कर सके और बहुत ही कम टाइम में कर सके. सो वी कैन से दैट कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन. नाउ लेट्स गो अहेड. स्टूडेंट,
मशीन मेनली दो तरह का होता है, कुछ मशीन ऐसा होता है जिसे हम मैनुअल कहते हैं, कुछ मशीन ऐसे होते हैं जिसे हम ऑटोमेटिक कहते हैं। मैनुअल हम लोग मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे चलाने के लिए, उसे यूज करने के लिए हमें मैनुअली काम करना पड़ता, लाइक साइकिल, नाइफ। कुछ मशीन ऐसे होते हैं जिसे हमें प्रोसेस करने के लिए कुछ भी मैनुअली नहीं करना पड़ता, लाइक रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ भी प्रोसेस मुझे नहीं करना पड़ता। सपोज हम साइकिल का एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना है तो हमें मैनुअली पैंडल मारना पड़ता है, तब वो चलता है, तब वो हम पहुँच सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी हमें प्रोसेस नहीं करना पड़ता, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक करता है। इसलिए हम कंप्यूटर का डेफिनेशन ये दे सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ मैन मेड ऑटोमेटिक मशीन। नाउ नेक्स्ट, कोई भी मशीन को यूज करने के लिए, उसे चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उसमें पावर देना होता है, एनर्जी देना होता है। हम मेनली तीन तरह से मशीन्स को पावर देते हैं। पहला, ह्यूमन पावर। कुछ मशीन्स ऐसा होता है जिसे यूज करने के लिए हम ह्यूमन पावर देते हैं, लाइक रिक्शा, नाइफ, स्टेपलर। ये सबको हम चलाने के लिए, यूज करने के लिए हमें ह्यूमन पावर देना पड़ता है। कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जिसमें हम फ्यूल के द्वारा एनर्जी पैदा करते हैं या पावर देते हैं, लाइक कार, बाइक, बस। ये सबको हम एनर्जी देने के लिए, पावर देने के लिए हम आइदर डीजल या पेट्रोल का यूज करते हैं। कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलता है, लाइक रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, कंप्यूटर। जो भी मशीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं। तो चूंकि कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है, इसलिए हम कंप्यूटर को भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं। तो अब हम कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या देंगे कि कंप्यूटर इज अ मैन मेड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नाउ नेक्स्ट, गो अहेड। चूंकि अब हम जान चुके हैं कि हर कंप्यूटर का कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ मकसद होता है, तो ठीक इसी तरह कंप्यूटर का भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक उसमें हम गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, पिक्चर ड्रा कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियो को स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम एक कंप्यूटर का प्रॉपर डिफिनेशन देंगे स्टूडेंट, वो ये होगा कि कंप्यूटर इज अ मैन मेड ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ड्रॉ पिक्चर्स, राइट लेटर्स, डू सम्स, लिसन टू म्यूजिक, प्ले गेम्स एंड मच मोर। क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था, इसीलिए चार्ल्स बैबेज को द फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहला 1822 को एक कंप्यूटर बनाया था। ये ब्रिटिश नेशनलिटी के थे। कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर काम को ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्मार्ट वे में करता है, इसलिए कंप्यूटर को हम स्मार्ट मशीन भी कहते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन टर्म कंप्यूटर द मीन टू कैलकुलेट। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे द यूजेज ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू सो मच।